हे गाइस, स्वागत है आपका ब्लीच के एक और नए एपिसोड में। और ब्लीच का 1000 ईयर ब्लड वॉर सीजन 3 एपिसोड 2 आ चुका है, सैटरडे को आ गया था। और अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाओ पहले जाके जियो सिनेमा पे देख लो, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो एपिसोड कैसा था और उस एपिसोड में एक्चुअल में हुआ क्या था। मतलब आफ्टर युवा बाहर नियरली किल्ड सोल किंग इन दी एपिसोड 1, एपिसोड 2 में बात करते हैं क्या क्या नया हमें पता लगा, क्या क्या पुराना हमें रेफरेंस मिला, मतलब कि उस चीज़ की रेफरेंस भी लिए कि हाँ ये चीज़ इसलिए आगे जाके इंपॉर्टेंट थी। तो स्पॉयलर्स की चिंता करे बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, एपिसोड 1 में बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग रिवेल्यूशन हुई थी कि युवाज और कोई नहीं बल्कि सोल किंग का ही बेटा है। तो हमें इस एपिसोड के स्टार्टिंग में वही आगे पता लगता है कि वो सोल किंग का बेटा कैसे है। वो सोल किंग के फ्रैगमेंट से बनाया गया था, मतलब उसको सोल किंग के फ्रैगमेंट से बनाया गया था और इसीलिए उसके पास वो वाली एबिलिटी है जो सोल किंग के पास है, लाइक टैपिंग इन द फ्यूचर। मतलब वो थोड़ा बहुत फ्यूचर देख सकता है, सोल किंग की तरह ज़्यादा नहीं, सोल किंग काफ़ी आगे तक का देख सकता है, बट आई गेस युवाज थोड़ा बहुत फ्यूचर देख सकता है कि उसके साथ आगे कुछ सिग्निफिकेंट फ्लैशेस देख सकता है फ्यूचर के। तो ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा बड़ी डील नहीं है जैसे सोल किंग की है, बट हाँ ऑल माइटी पावर तो है। तो जैसा कि हमने देखा था कि फर्स्ट एपिसोड के अंदर युवाज सोल किंग को इंजर कर देता है, तो उसके इंजर्ड होने से ही ह्यूकोमुंडो ह्यूमन वर्ल्ड और सोल सोसाइटी में अर्थक्वेक्स आने शुरू हो जाते हैं। वैली छोटे मोटे अर्थक्वेक्स नहीं होते, काफ़ी बड़े स्केल के अर्थक्वेक्स होते हैं। साथ ही साथ हमें रिटर्न दिखता है ईशीन ईचिगो के फादर और साथ ही साथ रियू के निशिडा का, मतलब उरियो के फादर का, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है जानने में कि उरियो के फादर को भी नहीं पता कि वो युवाज के साथ काम कर रहा है, क्योंकि वो काफ़ी शौक होते हैं जब वो ट्रेमर्स आ रहे होते हैं, और अगर उनको पता होता तो उन्हें पता होता है ये ट्रेमर्स क्यों आ रहे हैं। वैली इसी के बाद हमें दिखता है केनपाची जो कि काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है, और हम देखते हैं कि उकी टाके उसको हील करने की कोशिश कर रहा है। और केनपाची इतना इंजर्ड इसलिए है क्योंकि हमने देखा था कि सीज़न 1 के अंदर इस बंदे ने भी युवाज से थोड़ी लड़ाई भिड़ाई करी थी, और ऑब्वियसली इसी को जितना पावरफुल अब रहा नहीं है, तो आई गेस कि इसलिए इसको हील होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। वेल, सीन शिफ्ट होता है ईची और उसके फ्रेंड्स पे, और हम देखते हैं वो युवाज को इनकाउंटर कर लेते हैं। युवाज से लड़ना शुरू कर देता है ईची को, और लिटरली इस मोमेंट पे मुझे लगा था कि भाई ये है, मतलब ईचिगो और युवाज की फाइट के लिए ही तो मैं वेट कर रहा था। वेल, मैं ऑब्वियसली आइजन के एंट्री का वेट कर रहा हूँ, मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता ईचिगो और युवाज में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। वेल, इनकी लड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा बैडएस थी, और हम देखते हैं ईचिगो की नई पावर्स एट इट्स पीक। ईचिगो अपनी सारी पावर्स यूज़ कर देता है व्हेन युवाज वाज ऑन 0.1% पावर। लाइक लिटरली अगर तुम एपिसोड देखोगे ना तो तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि हाउ फक्ड ईचिगो वॉज जब उसने सारी पावर्स रिवील कर दी, मतलब उसके बाद जितनी भी अपनी पावर्स थी वो सब रिवील कर दी, और युवाज वहाँ पे खड़ा हुआ है 0.1% पावर पे जब उसने अपना ऑल माइटी वर्जन छुपा के रखा हुआ था ईचिगो से। वो अपना ऑल माइटी वर्जन यूज़ भी नहीं करता, और ईचिगो अपना गेत्सुगा तेंशो यूज़ कर देता है, मतलब उसका गेत्सुगा तेंशो वॉज लिटरली वेरी पावरफुल, ओवर पावरिंग एनी ऑफ द कैप्टन्स इन द सोल सोसाइटी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा। ओके, वेल ऑन अ सीरियस नोट, इसी के बाद हम देखते हैं कि युवाज अपनी फुल पावर्स यूज़ करता है। युवाज कहता है कि ईचिगो कुरोसाकी यू हैवंट सीन एनीथिंग, और यही सीन था जब मुझे पता था कि ईचिगो के लगने वाले हैं रस्ते, मतलब बहुत ही लंबे वाले रस्ते लगाए हैं युवाज ने। इतनी बुरी तरीके से मारता है वो ईचिगो को, लाइक लिटरली अगर तुम एपिसोड देखोगे तो तुम्हें रोना आ जाएगा कि दिस वॉज काइंड ऑफ लाइक डाकी वर्सेज टेंगेन, वेयर टेंगेन वॉज ओवर पावरिंग डाकी। वेल, इसी के बाद हम देखते हैं कि ईचिगो हैवीली इंजर्ड हो जाता है, लेकिन ओरी ही में उसको हील कर देती है, और वो फिर से चला जाता है युवाज से लड़ने। यहीं पे योरुइची उसकी हेल्प करती है अपनी स्ट्रिंग्स को टाई करके युवाज के अराउंड, बट ऑब्वियसली युवाज उसको 2 मिनट में चला देता है। उसके बाद युवाज रिवील करता है सोल किंग के हार्ट के अंदर तलवार, वो तलवार सोल किंग के चेस्ट के अंदर होती है, और इसी को देख के ईचिगो का दिमाग फिर जाता है, और वो युवाज पे अनस्टॉपेबल अटैक्स करने शुरू कर देता है विदाउट इवन थिंकिंग। मतलब जैसे उसकी होलो फॉर्म में था वैसे ही कुछ, मतलब थोड़ा सा तो ऑब्वियसली वो समझ पा रहा है, लेकिन युवाज की काफ़ी ब्रोकन एबिलिटी है यार। मतलब वो ईचिगो से पहले उसके डायलॉग्स पूरे कर रहा है, इतनी ब्रोकन एबिलिटी अगर हमें मिल जाए तो बात ही क्या हो जाए। खैर, इसके बाद ईचिगो ट्राई करता है उस स्वॉर्ड को सोल किंग के चेस्ट में से निकालने की, और जैसे ही वो स्वॉर्ड को हाथ लगाता है जो उसका क्विंसी ब्लड होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो सोल किंग को रिजेक्ट कर देता है। अब सोल किंग को रिजेक्ट करने की कहानी क्या है, तो इट्स लाइक कि युवाज की जो थिंकिंग है वो ये है कि सोल किंग ने कभी भी क्विंसीज के लिए कुछ किया नहीं है, ठीक है। तो क्विंसीज के लिए हमेशा सोल किंग एक प्रॉब्लम बना रहा है, और सोल किंग की जो थिंकिंग है वो ये है कि क्विंसीज को मार दो पेल दो जो मर्जी करो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने क्विंसीज बनाए थे लेकिन अब उनके साथ तुम जो मर्जी करो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
तब से युवाज सोल किंग से काफ़ी हैविली चिढ़ने लगा है और इसीलिए वो सोल किंग को मारना चाहता है ताकि वो एक नया वर्ल्ड क्रिएट करे जहाँ पर क्विंसीज लीड करे, ना कि सोल रीपर्स। और ऑब्वियसली युवाज सोल किंग को नहीं मार सकता था क्योंकि सोल किंग को मारने के लिए आपको एक फुल ब्रिंगर, एक हॉलो, एक क्विंसी, एक सोल रीपर होना पड़ेगा और सोल रीपर की भी लास्ट स्टेज में होना पड़ेगा, मतलब सारी पावर्स लाइक रॉयल स्क्वाड, सारी पावर्स आपकी अनलॉक्ड होनी चाहिए। वेल ऑब्वियसली इचिगो किटकैट कर देता है सोल किंग को और किटकैट होते ही सोल किंग के हम देखते हैं काफ़ी बड़ी वाइट फ्लैश आ जाती है। हमें नहीं पता कि युवाज सोल किंग और इचिगो और उसकी टीम का क्या हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि तीनों वर्ल्ड्स के अंदर अफरा तफरी मची हुई है। उराहारा जी हमें दिखते हैं और उराहारा कहता है कि मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि यहाँ क्या हो रहा है। वेल यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। विद दैट बीइंग सेड हम भी वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे, बट एक चीज़ मुझे जो समझ में नहीं आई वो अब ये है कि आइजन बड़ा मैनिपुलेटर है या फिर युवाज। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि आइजन हमेशा कहता रहता है इट वॉज पार्ट ऑफ माई प्लान, बट आई गेस कि ये सारा प्लान युवाज का है मोर ऑफ देन वट इट इज़ ऑफ आइजन। तो लाइक लिटरली इचिगो को वो यूज़ करना चाहता था टू किल द सोल किंग और उसके लिए उसको फुल ब्रिंगर, हॉलो, सोल रीपर, एवरीथिंग, तो उसको उसकी ज़रूरत थी। तो ऑब्वियसली उसको पता होना चाहिए ना कि वो इचिगो पे टैब्स रखेगा कि इचिगो की प्रोग्रेस कैसी चल रही है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा तुम प्लान बना रहे हो और तुम्हारा प्लान ऑब्वियसली एक जने पे डिपेंड कर रहा है, तो तुम ऑब्वियसली उस पर टैब्स रखोगे। मुझे तो लग रहा है कि आइजन भी अब युवाज के पार्ट ऑफ द प्लान में ही आता है। तो आई एम लाइक लिटरली कन्फ्यूज्ड। अगर किसी को ये चीज़ समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वेल दिस इज़ जस्ट अ थ्योरी, हो सकता है कि कुछ प्लॉट होल्स हों। ऑब्वियसली हर एनिमे में प्लॉट होल्स होते हैं, किस में नहीं होते, सबसे ज़्यादा जे जे के में है या फिर प्रॉबेबली सब में ही होते हैं, तो ऐसी कोई बात है नहीं। तो ब्लीच का भी ये एक प्लॉट होल ही मान के चल लेते हैं। वेल वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।